जनरल डिब्बे में गए, जनरल डिब्बे में काफी भीड़। क्यों ये काम कर रहे थे सर? आज ही काम किया, बस हमने कहीं सीट बेच देंगे तो आज पैसे वैसे के लालच में उन्हें बेच दिया और हमको इसका जानकारी नहीं है, तब सर हमने गलती कर दी, माफ कर दी ना। ये बताओ कितने रुपए में बेचते थे ये सीट, कितने रुपए की बात है? ये भी 50-60 रुपए 100 तक का खर्चा पानी मिल जाता था चाय नाश्ता के लिए उस साइड। कौन से डिब्बे में था ये? S1 में आते सर। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे पुणे, जा रहे थे झेलम लेके, गाड़ी झेलम लेके जाते हैं और पुणे जाते हैं सर। क्या काम करते हो आप? OPH का सम काम करते हैं, सफाई वाले का। सफाई कर्मी हूँ। हाँ। संविदा पे? संविदा पे ठेकेदार के कंपनी में। हाँ, ठेकेदार के अंडर में रहते हैं। RPO को तुरंत सूचित किया, हम लोग तुरंत मौके पर पहुँचे और जा करके वहाँ पकड़ लिए, बता वहाँ ले आए, RPF थाने पर ले आए, इससे पूछताछ किया गया तो इसने बताया कि मैं पुणे में, पुणे डिवीज़न में, सेंट्रल रेल के पुणे डिवीज़न में मैं सुपरवाइज़र, सफाई वालों के सुपरवाइज़र का काम करता हूँ और वहाँ से जब इसके मोबाइल आई कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिखा था उससे मैनेजर से बातचीत की गई, मैनेजर ने बताया कि हमारा काम 2 महीना पहले ही कंट्रैक्ट रेल से सफाई ख़त्म हो चुका है और ये आदमी हमारे पास अब काम नहीं करता है। फिर इससे पूछताछ किया गया तो इसने बताया कि मैं झांसी से इस गाड़ी में चेकिंग स्टाफ बन के आया था और मैं ऐसे जो स्लीपर कोच में आ जाता है, जनरल टिकट रहता है, उससे मैं पैसा लेता हूँ कि आपको कैसे चढ़ गए इसमें। इस तरह से इसके पास 550 रुपया बरामद हुआ। इससे पूछा गया कि तुम क्यों उतर गए? इसने बताया कि मैं यहाँ 9314 पटना इंदौर एक्सप्रेस को छोड़ के मैं यहाँ से झेलम लेकर के झांसी जाता और उसमें यही काम करता और यह आदमी जब से वो काम छोड़ दिया है पुणे डिवीज़न से यही काम कर रहा है, ये झांसी में मोठ का रहने वाला है।